हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपका मेरे चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम मेस यादव है। नो वैकेंसी इन एसबीआई। सर क्या बोल रहे हैं दोस्तों? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर क्या अब एसबीआई में वैकेंसी नहीं आएगा। इसका मेन रीजन है, अभी आरबीआई से एसबीआई को परमिशन मिला है कि सेटअप करेगा ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडियरी। दोस्तों क्या इसे अपने अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ या अदर जो रिक्रूटमेंट होती है, इस पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसके बारे में डिटेल में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एसबीआई को आरबीआई जो परमिशन दिया है ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडियरी ओपन करने के लिए, इसका मेन रीजन है एसबीआई को कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंक्रीज करना है। यानी एसबीआई का फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 53.3% है, इसको और एसबीआई जो है बढ़ाना चाहता है। जो कोर फंक्शन है, जो कोर वर्क है एसबीआई का, वो खुद एसबीआई करेगा। इस सपोर्ट सब्सिडियरी एक पायलट बेसिस प्रोजेक्ट है, एसबीआई को परमिशन मिला है इसको ओपन करने वाला है। इससे आने वाले टाइम में कोई भी जो है अपनी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो वैकेंसी आने वाली है, इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एसबीआई को जस्ट ट्रायल के रूप में मिला है। जैसे बिग वर्क है और जो फंक्शन है एसबीआई का लोन सैंक्शन करना है, खुद एसबीआई करेगा, एक जो है सहायक के रूप में काम करेगी। आप लोग जो है डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो बिजनेसेस लाइन का ये आर्टिकल है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर किया हूं, जाकर के वहां से पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है, 9:30 वाला अपना जो बैच है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, अपने ऐप पर जो है शुरू होने वाला है। मैं वहां पर इसको डिटेल में कवर करने वाला हूं, लेकिन आप इतना जान लीजिए आने वाले टाइम में एक दो सालों में अपने जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है, इस बार इसका कोई भी जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट ए पायलट बेसिस प्रोजेक्ट है। तो आई होप दोस्तों आप में से जितने सारे कैंडिडेट का कंसर्न था, डाउट था, इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। आने वाले कुछ टाइम के लिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये पायलट बेसिस जो प्रोजेक्ट है अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आने वाले 2-4 सालों में थोड़ा सा वैकेंसी जो है कम हो सकता है, लेकिन 1-2 सालों में कोई वैकेंसी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है मेहनत कीजिए। अभी आप मेहनत करेंगे तो अपना अपकमिंग एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन है, उसमें डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगा। और आप सब लोग जो है 9:30 में मुझे करंट अफेयर, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए फॉलो कीजिए। अगर आप आईबीपीएस एग्जाम, एसबीआई एग्जाम या अदर जो एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डेली 9:30 PM में क्लास होता है, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।